भीलवाड़ा जिले की मांडर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत किड़ीमाल के ग्राम विकास अधिकारी को बुधवार को भीलवाड़ा एसीबी टीम ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में रिश्वत लेने का यह जिले में पहला मामला है। भीलवाड़ा एसीबी निरीक्षक श्री प्रकाश ने बताया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में संवेदक पूनम चंद द्वारा निर्माण कार्य कराने के उपरांत भुगतान के लिए बिलों को पंचायत में पेश किया गया और उनको पास कर भुगतान करने के लिए ग्राम विकास अधिकारी दिनेश कुमार द्वारा 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई। पूनम चंद द्वारा एसीबी में शिकायत दर्ज कराने पर उसका सत्यापन कराया गया। बुधवार को बिलों को पास कराने के लिए 50,000 रुपए बतौर रिश्वत के देकर पूनम चंद को ग्राम विकास अधिकारी के पास भेजा गया। पूनम चंद ने जो ही रिश्वत की राशि सौंपी और इशारा पाकर एसीबी की टीम ने मौके पर ही ग्राम विकास अधिकारी को दबोच लिया। उसके कब्जे से रिश्वत की राशि भी जब्त कर ली। एसीबी टीम में एएसपी ब्रजराज सिंह के अलावा निरीक्षक शिव प्रकाश, प्रहलाद पारिक व नेमीचंद, गोपाल लाल आदि शामिल थे। इस कार्यवाही के बाद एसीबी पूनम चंद के बिलों से संबंधित पत्रावलियों को खंगाल रही है। इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी के दफ्तर व घर पर भी तलाशी ली जा सकती है। परिवादी पूनम चंद ने 29/7/2019 को एसीबी चौकी भीलवाड़ा आदित्य पर आकर एक शिकायत दर्ज करवाई कि मैंने ग्राम पंचायत किड़ीमाल में निर्माण कार्य के ठेके लिए थे और निर्माण कार्य करवाया जिसके बिलों के भुगतान की राशि के एवज में वहाँ का सचिव दिनेश कुमार 5% कमीशन मांगा। मैंने 50,000 रुपये उसको पूर्व में रिश्वत दे दी। उसकी पूनम चंद की शिकायत पर मांग रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाया। मांग सत्यापन के दौरान आरोपी ने 15,000 रुपये ग्रहण किए। आज ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया। दौरान ट्रैप कार्रवाई 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए दिनेश कुमार ग्राम विकास अधिकारी किड़ीमाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कार्रवाई कहाँ पर हुई सर? ये कार्रवाई किड़ीमाल ग्राम पंचायत में हुई।